हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैंने बहुत दिन बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ जी। आज है 19 अक्टूबर। हाँ जी, 19 अक्टूबर। और अभी है इवनिंग के टाइम, अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock आई थिंक। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ। अभी मुझे थोड़ी बाहर जाना है। बाहर मीन्स यहाँ पे जो लोकल जो मार्केट है, मुझे वहाँ पे जाना है क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है। सो मार्केट में मुझे थोड़ी थोड़ी सी ख़रीदारी करनी है। और है एक चीज़ जो है, मुझे खुशी के लिए मेडिसिन लेनी है, जो मैं उस दिन ऑर्डर दे के आई थी। ऑर्डर इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो मेडिसिन मेरे डॉक्टर ने खुशी के लिए लिख के दिया है, वो दार्जिलिंग में जो अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो उसे लेने के लिए, उसी मेडिसिन को लेने के लिए मुझे सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। सो मैं तो वहाँ पे जा नहीं सकती एक मेडिसिन के लिए, इसीलिए मैंने मेडिसिन शॉप में ही बता दिया था कि आप लोग जब वहाँ से मेडिसिन लाओगे तो मेरे लिए ये जो मेडिसिन मैंने दे के आई हूँ, नाम लिख के दी हूँ, सो वो ला देने के लिए। सो आई थिंक ये 2-3 दिन के बाद जाने के लिए बोला है। आज 3 दिन पार हो गया, मुझे लगता है वो आ गया है। और 3-4 दिन से उसका मेडिसिन भी गैप हो रहा है। मैं आप लोग को बता ही नहीं कि मैं दार्जिलिंग आने से पहले मैं खुशी की जो रूटीन चेकअप है वो की थी, क्योंकि वो जो है वो खाने में थोड़ा प्रॉब्लम, वो खाना खाने के लिए बहुत नखरा कर रहा था, तो वो खाना सही से नहीं खा रही थी, इसीलिए मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। सो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने, इसे तो सब ठीक ही है, रूटीन चेकअप में जो है सब कुछ नॉर्मल है, बट उसे जो है थोड़ी सी क्या बोलते हैं वो, खून जो है, ब्लड जो है थोड़ा सा कम है उसके शरीर में, तो इसीलिए वो डॉक्टर ने आयरन की जो मेडिसिन है वो दिया है। सो मैं दार्जिलिंग से लाने के बाद खिला रही थी, तो वो अभी ख़त्म हो गया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है जो मेडिसिन, देख पा रहे हो ना आप लोग जी, ये मेडिसिन जो अभी ख़त्म हो गया है, तो मुझे ये लेने के लिए जाना है और जा रही हूँ। अगर कुछ कुछ मुझे यूज़ करने वाला कुछ सामान मिल गया तो मैं वो भी ले लूँगी। सो मैं अभी थोड़ी सी तैयार हो गई, तैयार मीन्स यहाँ पे तो इतनी ठंड है ना, अंदर कुछ भी पहनना चलता है, ऊपर एक स्वेटर एक शॉल ले लो बस हो जाता है। तो अभी मैं खुशी को थोड़ी सी, खुशी तैयार है, बस उसे जैकेट लगाना है। तो हम अभी तैयार होके बाहर निकलते हैं और खुशी को मैं लेके जाऊंगी। अगर मैं हो सके तो बाहर का जो जितने भी हो सके मैं शूट करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए मेरे साथ मार्केट। सो गाइस, अभी हम मार्केट पहुंच गए हैं। हमारी होटल से मार्केट बाई वक 5 to 6 मिनट लगते हैं। सो मैं अभी मार्केट जस्ट पहुंचने वाली हूँ, ऑलमोस्ट पहुंच गई। सो मैं पहले जाऊंगी मेडिसिन लेने, तो मैं अभी मेडिसिन शॉप में हूँ। ये है मॉल दार्जिलिंग के, जो मॉल जिसे दार्जिलिंग खाए हैं उसको ये जगह जरूर पता होगा, ये फेमस जगह है। सो हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे मॉल में दुर्गा पूजा हो रहा है। हम वहाँ पे भी थोड़ा, मॉल में आने से दुर्गा पूजा यहीं पे हो रहा है। ये है गाइस मार्केट। तो मैं खुशी को लेके हूँ और मेरे हाथ में भी कुछ सामान है। मैं इधर तो कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, फिर भी मैं देख रही हूँ मुझे जो लेना था वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ढूंढा तो वो नहीं मिल पा रहा है, शायद यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, मैं अभी मार्केट से आ गई हूँ। अभी मैं रूम में हूँ और खुशी जो है, मैं आते ही खुशी को फीक दी, तो खुशी थोड़ी सी थक गई थी वहाँ पे, बहुत मस्ती की, बहुत खेली वहाँ। सो गाइस, मैंने क्या क्या खरीदी है तो वो पहले आप सबको दिखा देती हूँ। मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदी, सिर्फ खुशी के लिए ही खरीदी हूँ। तो जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। सो गाइस, सामने है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा का शॉपिंग तो अभी भी हुई नहीं है,
और ये जो है मैंने, अब आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ठंडी है, तो मुझे उसके लिए कुछ स्वेटर्स जैकेट्स की नीड थी, सो मैं ये स्वेटर उसके लिए खरीदती हूँ। ये देख पा रहे हो आप, ये स्वेटर फुल लेंथ वाली है और उसके साथ ये पैंट जो है वो सेट है। सो ये जो है मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया, इसलिए मैं खरीदती हूँ। ऑफ कोर्स ये गर्ल्स की नहीं है, ये बॉयज़ की है। तो क्या हुआ, अभी तो गर्ल्स बॉयज़ सेम है ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आया, फिर भी इसे इसे जो मैं देखते ही मैं इसे साइड कर ली थी, क्योंकि ये मुझे लेना था। और ये जो है बहुत अच्छा है, उलेन का है और बहुत मोटा है, अंदर में भी जो है सॉफ्ट है, सो इसे पहनने में खुशी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और गर्मी भी अच्छी होगी क्योंकि ये बहुत मोटा है। सो मैं ये एक ली हूँ स्वेटर का सेट, स्वेटर और पैंट का सेट। सो आप इसके प्राइस अगर सुनोगे ना तो गाइस आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि मुझे ये जो मिला है बहुत मेरे हिसाब से कम, बहुत कम हिसाब से, बहुत कम जो रेट है उस हिसाब से मिला है। सो ये मुझे मिला है 250 में। आप सोच सकते हो अभी इस ठंडे के सीजन में इतनी अच्छी एक स्वेटर का सेट 250 में मुझे मिली है। आई नो आप लोग से किसी ने, किसी को लग रहा होगा कि इतनी 250 से खरीदा होगा, और ऊपर से बोल रहे हैं 250, सिर्फ 250। तो मुझे लगा मैं इससे बहुत कम में खरीदी हूँ, आप लोग को शायद आप लोग इससे भी कम में ले सकते हो, पर मैं मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए ठीक है, मैं 250 में मैं ली हूँ, मुझे मैं खुश हूँ। सो ये है एक सेट। और ये एक ली हूँ, ये है हाइनिक बोलते हैं इसे, पता होगा आप लोग को, ये है हाइनिक। तो ये हाइनिक जो है इसका नेक देख पा रहे हो, इतना बड़ा होता है, ये जो होता है गला से इतना तक ये इसका पूरा बंद होता है, और ये पूरा फुल है, और ये भी बहुत मोटा है देख पा रहे हो। सो ये जो है जो शरीर के साथ एकदम चिपक के रहता है, तो इसमें ठंडा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं इसे दो सेट ली हूँ, दो ली हूँ, एक ये ब्राउन और एक स्काई कलर का। तो एक खुशी अभी पकड़ी रही है, खुशी के पास है, तो मैं उसको नहीं ला पाई। सो ये एक ली हूँ, तो इसका मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लगा मेरे हिसाब से। ये है 200 का, एक का सिर्फ 200 का, तो मेरे हिसाब से लगा ये थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, पर मुझे ये चाहिए था खुशी के लिए। सो ये मैं दो ली हूँ। और अभी जो एक दिखाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एक है, जो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ये बहुत दिन से मुझे खुशी के लिए ये लेना था। ऐसे भी है उसके पास बहुत सारे है, तो इस डिज़ाइन का नहीं था, तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं खास करके खुशी के लिए ये ली हूँ, और मुझे लगता है खुशी को भी ये बहुत पसंद है, तो आप देख लीजिए। सो ये है एक कैप, आप देख पा रहे हो ये एक कैप है। अभी ये डिजाइन पहले भी बहुत, एक दो साल पहले आई थिंक निकला हुआ है, तब तो मेरे पास बेबी नहीं थी ना, तो ये बार मेरे पास बेबी है, ऐसे पहनने वाला लायक भी हो गई है। और पिछले साल भी मेरे पास बेबी थी, पर उस टाइम छोटी सी थी ना, तो इस टाइप की कैप छोटी बच्चे के लिए नहीं मिलता है, ये 1.5 साल से ऊपर ही बच्चों के लिए आता है। तो ये भी थोड़ा सा खुशी के लिए थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, फिर भी मैं ये ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ होने से खुशी को शायद कंफर्टेबल फील होती है, और इसलिए मैं उसके लिए ये चॉइस की हूँ। तो आप देख पा रहे हो ये इतना क्यूट है ना गाइस, अब मुझे ये देख के ही बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, क्या बोले इसे, ब्राउन तो नहीं है इसका कलर जो क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग देख लो, देख के शायद आप लोग को पता चले, तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। मुझे भी होगा आई थिंक, इतना बड़ा है, मैं पूरा नहीं पहनूंगी नहीं तो लूज हो जाएगा। क्यूट है ना। सो ये है खुशी का कैप, तो मुझे ये बहुत पसंद आया, और इसका प्राइस है 150, जो
जितना भी हो मुझे ये कैप लेना ही था, मैं ये मन में ठान के गई थी। तो ये है कैप। सो ये तो है क्लॉथ्स जो जो मैं ली थी उसके लिए, वो हो गया। अभी मैं एक दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग और एक इंटरेस्टिंग का चीज़, और ये है पैरेट, आप देख पा रहे हो जी। इसे लेने का बाद ही, मैंने यहाँ पे आने का बाद, घर में आने के बाद इसके गले में बैंडेज पड़ गया है, क्योंकि खुशी जो है उसके गले में काट के उसका जितने हवा थी हवा उसको निकाल दिया है। और ये जो है बहुत क्यूट है, और इससे ऐसा लाइट भी जलता है, देखिए। सो मुझे ये मिला है 50 रुपीज़ में, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया और खुशी को भी पसंद आया। और एक है, ये है बैलून, तो बैलून किसे नहीं पसंद है, अब मुझे तो पसंद है ही, और खुशी खुशी तो ऑफ कोर्स वो बच्ची है उसे तो और पसंद आ जाएगी, आई एम सॉरी आ जाएगी नहीं आ गई है। तो ये है बैलून, जो बस उसकी जो वैलिडिटी बोलते हैं, जिसे आयु बोलते हैं, वो शायद आधे घंटा पौने 1 घंटा रहे खुशी उठने के बाद। उसके बाद उसका जो लास्ट टुकड़ा है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ। सो गाइस, यही था मेरा छोटी छोटी थोड़ी सी शॉपिंग। तो चलिए मैं अभी चलती हूँ सीधे किचन पे और दिखाती हूँ मैं आज डिनर पे क्या बना रही हूँ। सो लेट्स गो। आए बाबू, मुक्टा देखी, मुक्टा देखी बाबा, आए मुक्टा देखी, ये ताको ताको ताको। बीजी किसे जाए तो बीजी, वो तू तू कोई, तू 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 कोई सुनो, तू तू कोई पापा, तू तू कोई। सो गाइस, मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अब मुझे अभी बनानी है फिश करी। सो गाइस, मैं ये फिश कभी भी पहले नहीं बनाई हूँ, तो मुझे नहीं पता इसे कैसे बनाना है। सो मैं इसे इसकी जो रेसिपी है मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। सो मुझे अभी ये फिश बनानी है, तो मैं फिश बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने जो फिश आपको दिखाई थी वो फिश अभी मैं फिलहाल अभी मैं बना के आई हूँ। वो फिश मैंने कभी भी खाई नहीं, कभी बनाई भी नहीं, तो मुझे नहीं पता वो कैसे बनाना पड़ता है। पर जैसे नॉर्मल जो फिश बनता है मैं उसी तरह से उसको बना दी, पर एक फ्राई फिश मैं खाई हूँ जो फिश काफ़ी टेस्टी है। सो गाइस, मैं आज की ये ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्यों इसके बाद जो है मुझे और थोड़ा मैं बिजी रहूँगी, तो मैं के मोबाइल के साथ वो नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे अभी खुशी को डिनर करवाना है। और आपको पता होगा कि आपके पास अगर बेबी हो तो बच्चों को डिनर करवाना सबसे मुश्किल जो घर के जो टास्क होते हैं वो है। सो मेरे ऑलमोस्ट सारे काम है हो गया, सिर्फ रोटी बनानी है। तो रोटी मैं जब खुशी को खिला लूँगी उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। बहुत ठंड हो जाने से रोटी अच्छा नहीं लगता है, हॉटकेस में रहता है, फिर भी से जो साथ साथ बना के देने में जो खाने में जो मज़ा आता है वो हॉटकेस में भी नहीं होता है। सो मैं अभी खुशी को डिनर करवाऊँगी। खुशी को मैं आज रात में दूध रोटी दूंगी, उसके लिए एक रोटी अभी बनाऊंगी मैं। और मैं तो चावल खाती हूँ, हस्बैंड रोटी। तो खुशी को खिलाने के बाद मैं रोटी बनाऊंगी, हस्बैंड को खाना दूंगी, मैं खाऊंगी, मेरी जो एक स्टाफ है वो भी खाएगा, तो वो भी चावल ही खाता है। तो मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और इसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। तो और ये जो आप रूम देख रहे हो ये गेस्ट की रूम है, मैं नीचे वीडियो नहीं कर पाई बिकॉज हस्बैंड है और खुशी है, सब कुछ वहाँ पे बहुत बातें हो, मतलब खेल रहे हैं वो लोग बाप बेटी, और स्टाफ भी है ना, तो सबके सामने वीडियो करना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। सो ये गेस्ट के रूम में मैं अभी बैठी हूँ, ये ऊपर वाला रूम है, और मैं सीढ़ी से ऊपर आई हूँ ना तो थोड़ा हाँफ रही हूँ। सो गाइस, तो मेरी ये आज की जो एक
कोई प्लानिंग नहीं थी वीडियो का, पर भी मैं ये बनाई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और मैं मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय गाइस और टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड नाइट।